जी हाँ, ये बहुत ही डिस्गस्टिंग हुआ है। एंड यू नो, इस्लाम के अंदर एक बेगुनाह की जान लेना मतलब के पूरे इंसानियत का कत्ल करना है। सिंपल है, इस्लाम में मतलब पीस है। तो दिस इज नॉट, दिस इज पीपल, ये इस्लामिक तो है ही नहीं। ये जस्ट ऐसे लोग हैं जो कि अपने फायदे के लिए ये सब लूटिया जलील हरकतें कर रहे हैं। 10 बजे तक टेररिस्ट के मानी क्या है? मैं कहता हूँ हर मुसलमान टेररिस्ट होना चाहिए, आतंकवादी होना। आतंकवादी की मानी क्या है तो समझ लो, टेररिस्ट उसे कहते हैं जो इंसान दूसरे इंसान के दिल में टेरर पैदा करता है। अगर कोई चोर पुलिस को देख रहा है तो उसके दिल में टेरर आता है, खौफ आता है, उस चोर के लिए पुलिस टेररिस्ट है। इस तरीके से हर मुसलमान, कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट मुसलमान को देखता है उसके दिल में खौफ आना ही चाहिए। अगर कोई चोर मुसलमान को देखता है, कोई बलात्कार करने वाला मुसलमान को देखता है, कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट मुसलमान को देखता है, उसके दिल में खौफ होना ही चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनफाल में सूरह नंबर 8 आयत नंबर 60 में, खौफ पैदा करो उन लोगों के दिल में जो लोग एंटी सोशल है, जो हक को इनकार करते हैं, उनके दिल में खौफ डालो। कृष्ण गोपाल सिंह पत्रकार, मैं विद्वान श्री नाइक साहब से यह जानना चाहूंगा कि आज के आतंकवाद पर इस्लाम का क्या नजरिया है? नाइक साहब ने सवाल किया है कि आज के आतंकवाद पर इस्लाम का क्या नजरिया है, और मैंने एक तकरीर की है अंग्रेजी में भी, इस टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली, और पूना में भी उर्दू में, हिंदी में, क्या आतंकवाद मुसलमान की विरासत है? लेकिन आपने कहा कि आतंकवाद पर इस्लाम का क्या नजरिया है। कुरान मजीद में साफ अल्फाज में लिखा है सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में, अगर कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, सिर्फ कत्ल के बदले कत्ल, और अगर वो इस जमीन पे फसाद फैला रहा है, इन दो वजह के अलावा कोई इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, गोया के ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल करता है मासूम, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो। अगर कोई इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, चाहे मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, अगर मासूम इंसान का कत्ल करता है, तो कुरान की आयतें गोया के वो सारी इंसानियत का कत्ल कर रहा है। और अगर वो एक मासूम इंसान की जान बचाता है, चाहे मुसलमान या गैर मुसलमान हो, गोया के वो सारी इंसानियत की जान बचा रहा है। तो मुख्तसर सा ये जवाब है, अगर कोई मासूम लोग का कत्ल कर रहा है, इस्लाम में हराम है। मिसाल के तौर पे 9/11 3000 से ज्यादा लोग का कत्ल हुआ ट्विन टावर के अटैक में, तो लंदन बॉम्बिंग हुए 50 से ज्यादा लोग मरे, तो बॉम्बे के अंदर 10 बॉम्ब ब्लास्ट हुआ 180 से ज्यादा लोग मरे, मासूम इंसान का कत्ल करना हराम है। ये सारे जितने अटैक थे किसने क्या, मैं जानता नहीं हूं। पीडिया कहती हो सकता है मुसलमान, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, जिसने भी किया उसने गलत किया, चाहे वो मुसलमान ने किया गैर मुसलमान ने किया, लेकिन अब तक ये सारे अटैक्स का कोई सबूत नहीं है कोई भी गवर्नमेंट के पास, ना यूएसए के पास, ना यूके के पास, ना इंडिया के पास। प्राइम सस्पेक्ट कहते हैं, लेकिन जिसने भी ये कत्ल किया चाहे मुस्लिम है गैर मुस्लिम है, वो हराम है। तो जो भी मासूम इंसान का कत्ल कर रहा है, चाहे वो मुसलमान या गैर मुसलमान हो, वो दोषी है और हराम है। इस्लाम इसकी सख्त मुखालिफत करता है। मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी जिम्मेदार है आतंकवादी हमले के, उसको पकड़ो, सजा दो, मैं आपकी मदद करूंगा। मुसलमान से कहूंगा मदद करो, मकोका से सख्त लो लो। इस्लाम के अंदर अगर कोई आतंकवाद है उसको मिलना चाहिए सजा है मौत। मैं सख्त लॉ के फेवर में हूं, लेकिन ये कहना चाहता हूं, आप टाडा लेके पोटा लेके आए, पोटा लेके मकोका लेके आए, मैं आपके साथ हूं, लेकिन अगर कोई बेगुनाह को कोई मकोका में डालता है और अगर 6 महीने बाद 1 साल बाद साबित होता है बेगुनाह, पुलिस ऑफिसर को अंदर डालो। या पॉलिटिशियन को अंदर डालो, फिर मालूम पड़ेगा किसको बेगुनाह को लगाने का कहने।
मैं कहना चाहता हूँ आम नागरिकों से कि पॉलिटिशियन के बहकावे में मत आओ, आपस में झगड़ा मत करो, हिंदू मुस्लिम साथ में रहना चाहिए। जैसा मैंने कल कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इंडिया है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, क्यों आपस में झगड़ा करते? पॉलिटिशियन बहकावे में मत आओ। और हम सब हिंदुस्तानी, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, हम में डिफरेंस हो सकता है, हम में कुछ बात पे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, आपस में एक दूसरे की जान नहीं लेना चाहिए। हम साथ हैं तो इंशाअल्लाह, सब मजहब सिखाता है कि कोई बेगुनाह को कत्ल नहीं करना चाहिए। भारत में भी एक ऐसा ही गुरु है जिसका नाम है जाकिर नायक, आतंकियों को प्रेरणा तक देता है। आग उगलता था अपने भाषणों के जरिए जाकिर नायक, इस्लाम की आड़ में आतंक के प्रचार का आरोप जाकिर नायक पर। पीस टीवी चैनल के जरिए लोगों को भड़काता था जाकिर नायक,